सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अगर आप भी अभी के टाइम पर 30,000 के आसपास एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाए, कॉम्पिटेटिव गेमिंग कर पाए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स जो 30,000 के बजट में आपको मिल जाते हैं। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, इसके अंदर आपको 12+512 GB का वेरियंट भी मिल जाएगा, वेपर कूलिंग सिस्टम, ऑसम लेवल का कैमरा एंड ओवरऑल स्पेक्स भी काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं हमारे लिस्ट के 5th नंबर के स्मार्टफोन से। तो वो होने वाला है दोस्तों OnePlus Nord 4। ये एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड 30,000 के अंदर अगर आपको एक OnePlus का फोन लेना है तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको एक फ्रेश डिजाइन मिल जाता है, साथ ही 6.7 इंच की 1.5 के AMOLED अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 10 बिट के साथ में आती है, यानी कि कंटेंट वॉचिंग में तो दमदार है ही एंड साथ ही गेमिंग में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। मेटलिक फ्रेम के साथ 8mm की थिकनेस होने वाली है, 199 ग्राम का वेट होने वाला है और इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फटाफट इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7+Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है। ऑक्सीजन ओएस पे ये रन करता है, एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है, 4+6 ईयर्स की अपडेट्स में देखने को मिल जाएंगे एंड इवन परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके अंदर आपको 5500mAh की 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग के साथ। प्रोसेसर का एंटूटू स्कोर की बात करें तो अराउंड 13 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर आता है। 90 FPS कंसिस्टेंट आपको BGMI में ये गेमिंग करवा देगा, यानी कि काफी मक्खन एक्सपीरियंस होने वाला है। फ्लैट बॉडी के साथ टॉप नॉच परफॉर्मेंस एंड बेस्ट इन क्लास लुक्स के साथ ये फोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है 30,000 के बजट के अंदर। साथ ही फटाफट से बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की, तो इसके अंदर आपको 50+8MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है और 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा HDR मैजिक, AI बेस्ट फेस, AI क्लियर फेस और 4K शूट तक के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ये फोन आता है, लीनियर मोटर इसमें देखने को मिल जाएगी एंड डेफिनेटली अगर आप एक वेल नोन ब्रांड यानी कि OnePlus की तरफ जाना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमारी वीडियो आगे और लोगों तक पहुंच पाती है। अब बात करें दोस्तों लिस्ट के अगले स्मार्टफोन के बारे में, सो वो होने वाला है Realme की तरफ से Realme GT60। अगेन ये भी एक काफी वेल नोन ब्रांड है, अगर आप Realme का लेने के प्लान कर रहे हो तो Realme GT60 की तरफ जा सकते हैं। 6.7 इंच की कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आती है, 10 बिट का, 120 हर्ट्ज के साथ, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 3D प्लस Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है एंड स्क्रीन के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। सो डायरेक्ट अब बात कर लेते प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7+Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अराउंड 15 लाख आपको इसमें एंटूटू स्कोर निकाल देगा, BGMI 90 FPS में एकदम मक्खन एंजॉय कर पाएंगे एंड साथ ही 5500mAh एंड 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग तो है, यानी कि चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा है एंड बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, जो कि गेमिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं फोन के कैमरा की, तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 50MP+8MP। इसके अंदर आपको सोनी का लेंस मिल जाएगा और फ्रंट में आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बैक एंड फ्रंट आप दोनों से 4K शूट कर सकते हैं, EIS+OIS दोनों का ही सपोर्ट आपको मिल जाएगा एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। फोन का 8+128 GB वाला वेरिएंट आप 30,999 में ग्रैब कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करें हमारे लिस्ट के अगले स्मार्टफोन की, वो होने वाला है पोको की तरफ से पोको X6 Pro। ये जो फोन है ये बेसिकली 125,000 के आसपास आता है। 6.67 इंच की 1.5 के फ्लो AMOLED की डॉट डिस्प्ले दी गई है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने वाली है जिससे आपका जो कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस है और गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होगा। Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन के साथ ये फोन आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, गेमिंग के लिए 12-bit वाली डिस्प्ले है, व्यूइंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच होने वाला है। साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट एंड बैक में आपको वीगन लेदर का फिनिश मिल जाएगा। लुक वाइज बहुत अच्छा है फोन, काफी ट्रेंडी है और उतना ही अच्छा इसका प्रोसेसर होने वाला है जो कि होने वाला है MediaTek Dimensity 8300 Ultra। 4nm का प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 14 पे रन करता है। गेमिंग से पहले कैमरा की बात करें तो बजट के अंदर काफी अमेजिंग कैमरा भी है इस फोन के अंदर। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 64MP+8MP+2MP का मैक्रो, फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको OIS+EIS दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा, 4K 30 FPS तक इसमें शूट कर पाएंगे एंड काफी अमेजिंग होगा इसका कैमरा इस बजट के अंदर। बात करें बैटरी की, 5000mAh की मैसिव बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ ये फोन आता है। बात करें फटाफट गेमिंग की, तो अल्ट्रा स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है, BGMI के अंदर 90 FPS पर एंजॉय कर पाएंगे, 13 लाख के आसपास इसका एंटूटू स्कोर आता है जो कि बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। गेमिंग के लिए डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पिक होने वाला है पोको की तरफ से, क्योंकि इसमें आपको 5000mm² वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। बट अभी टॉप के फोन का जरूर वेट कर लेना दोस्तों, एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, आई होप आपने कर दिया होगा। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इस फोन का 8+256 GB वाला वेरियंट आप 23999 में ग्रैब कर पाएंगे और 12+512 GB 25999 में ग्रैब कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करें हमारे लिस्ट के 2nd नंबर के स्मार्टफोन से, तो वो होने वाला है पोको की तरफ से पोको F6। अल्टीमेट लेवल का ये स्मार्टफोन होने वाला है पोको की तरफ से, गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, कैमरा वाइज भी काफी अच्छा है एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। 6.67 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले होने वाली है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+2400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होने वाली है जो कि हमारे लिस्ट के बताए गए सभी फोन के अंदर सबसे ज्यादा नंबर है दोस्तों। टाइटेनियम कलर के साथ ये फोन आता है, यानी कि काफी ट्रेंडिंग है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर एंड बात करें लुक्स की, इन एंड फील की, तो बहुत ही अमेजिंग है फ्लैट डिस्प्ले के साथ, गेमिंग में काफी तगड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। साथ ही IP64 की रेटिंग है इस फोन के अंदर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, तो डेफिनेटली ये एक ऑलराउंडर पिक भी बन सकता है आपके लिए। बात करें परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 का
4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 14 हाइपर ओएस पे ये चलेगा, 15 लाख प्लस इसका एंटूटू स्कोर आता है, एंड बीजीएमआई आप स्मूथ 90 एफपीएस पे एंजॉय कर पाएंगे। गेमिंग के लिए इसके अंदर आपको वीसी कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, एंड डेफिनेटली काफी दमदार फोन है दोस्तों, काफी पॉपुलर फोन है पोको के फोन गेमिंग के मामले में। ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है 50+8MP, ओएस प्लस ईएस दोनों का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, 4K 30fps में शूट कर पाएंगे। कैमरास में बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, बट हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है दोस्तों। एंड ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इस फोन का 8+256GB वाला वेरिएंट आप 29,999 में ग्रैब कर पाएंगे दोस्तों, एंड डेफिनेटली इस बजट के अंदर काफी अच्छा पीक होने वाला है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट के टॉप स्मार्टफोन के बारे में, सो वो होने वाला है IQ की तरफ से IQ Neo 9 Pro। ये जो फोन है आपको अबव 30,000 मिलेगा, बट बैंक ऑफर के साथ इसको अंडर 30,000 ग्रैब कर पाएंगे। और देखो अगर आप 30,000 के आसपास फोन ले रहे हो तो मुझे लगता है कि आप 1-2,000 और भी बढ़ा सकते हो, एंड डेफिनेटली इस फोन की तरफ जा सकते हो क्योंकि इस फोन के स्पेक्स ही इतने अमेजिंग है कि आप देखते रह जाओगे। बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको 6.78 इंचेस की 1.5K AMOLED 10-bit वाली डिस्प्ले दी गई है, 144Hz का रिफ्रेश रेट आता है। इसमें बताया गया बाकी सभी फोन के अंदर आपको ऑलमोस्ट 120Hz का रिफ्रेश रेट ही मिला था, बट इस फोन के अंदर आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इस फोन का वेट बहुत ही डिसेंट है, 186g का वेट है, 8mm की थिकनेस के साथ ये फोन आता है, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन है, यूनिक कैमरा बम्स के साथ, एंड इन हैंड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आपको बैक में ग्लास एंड वीगन लेदर का कॉम्बिनेशन भी मिलता है। बात करें गेमिंग के लिए, इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही अराउंड 4000mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 पे ये फोन आता है, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस का लीनियर मोटर मिल जाता है, और साथ ही 4D गेम वाइब्रेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। अराउंड 15-16 लाख इसका एंटूटू स्कोर आता है। गेमिंग के दौरान आपको बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही मक्खन आपका गेम चलेगा एंड काफी एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। बात करें बैटरी बैकअप की तो बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, 5160mAh की बैटरी है, 120W का फ्लैश चार्ज का सपोर्ट दिया गया है, एंड डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड से लेकर बैटरी का जो बैकअप है वो काफी अच्छा रहेगा दोस्तों। बात करें कैमरा की तो इसके अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50MP+8MP, फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इस फोन के साथ आप 8K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं अल्ट्रा HD फोटोज के साथ। नाइट फोटोग्राफी मोड्स भी काफी सारे दिए गए हैं, यानी कि नाइट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ये फोन। ये रहे इस फोन के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स। इस फोन का 8+128GB वाला वेरिएंट आप 34,999 में ग्रैब कर पाएंगे, लेकिन आपको कार्ड ऑफर वगैरह लगा के 2-3 हज़ार का डिस्काउंट आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली 30,000 के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बजट लेकर जा सकते हैं तो ये फोन आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा फोन लेने वाले हो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।